Hi everyone, I'm back with another reaction video of Back the Fuck Up album है करण औजला की, जिसका नया song का teaser आया है. And गाने teaser का नाम है Click That Be Kicking It. तो Click That Be Kicking It नाम बहुत भारी है and I think करण औजला ने मचाया होगा इस teaser में. And music दिया है True School ने. So let's start the reaction. This is an OG call. Uh-oh. We had a party last night. But what am I gonna tell my parole officer? Hey. So what up, Bobby? I lived through some of my own way from the set. Just a fucking minute, your majesty. Up on the... Whoa. My God. गजब था यार. एंड द VFX वॉज अमेजिंग. VFX दिया है दिलप्रीत, मैंने देखा था, आई थिंक दिलप्रीत ही नाम था जिन्होंने VFX दिया है. एंड थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं यार, वो जो जो ऐसा राउंड होते हुए सीलिंग का शॉट आया था ना, ऐसा सर्कुलर उसने, इट वॉज अमेजिंग. बहुत ही अच्छा शॉट था जिसमें करण औजला का ऐसा टॉप एंगल पे दिखाया है उन्होंने. सीलिंग कलर वॉज, आर्ट डायरेक्शन बहुत सही है पता है. एंड VFX दिया, हाँ दिलप्रीत VFX का है VFX. एंड या पीछे करके देखते हैं दोबारा से, वन सेक, लेट्स सी यहाँ से देखते हैं क्या, मतलब एकदम अलग लेवल. पीछे कर रही हूँ, यार मैं कितनी बार भी देख लूं, मतलब इस इतने से टीजर में इतनी सारी चीजें हैं ना कि कुछ चीजें मिस हो रही हैं. एंड एक सेकेंड, क्या क्या डाल दिया इतने से टीजर में यार. ओके, ये शॉट में बाइक्स लेके हुए, फाइन अब हम रुक के देखेंगे. अब ये शॉट क्या है, ये कार्स कहाँ है यार. दिस इज ऑल VFX, अमेजिंग VFX. ये देखो मून का इफेक्ट जो है VFX का, गजब है. ओके, ये शॉट किलर लगा यार. वाओ, कागजादे उत्ते शाही बैठे हैं और दोस्ती में घाटे, और ये एज एन, तो बेसिकली ये दोस्ती के ऊपर होगा. ओके, तो यानी कि ये दोस्ती में करण औजला के पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो उनको मे बी दगाबाजी मिली है या जिन दोस्तों ने सपोर्ट किया है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑन द फुल एक्सपीरियंस, उनके लाइफ एक्सपीरियंस जो दोस्तों को लेके उनको मिले हैं, आई थिंक, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से वो उनकी यू नो राइटिंग में जो दिखता है, वो राइटिंग में वही नज़र आता है जो आपने आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, राइट, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो वो मुझे लग रहा है इस टीज़र के लिरिक्स से. एंड सो सॉरी, मैंने इस टीज़र में बहुत बार आगे पीछे किया है, बट आई रियली, इतने से टीज़र में सोचो आप, मतलब कितना कुछ था. एंड फर्स्ट शॉट जो था, इट वॉज लुकिंग लाइक जैसे कि यू नो बाहर के कंट्रीज़ में वो कुछ ब्रिज एंड ऑल या समथिंग, या अंडरग्राउंड कुछ तो एक ऐसा है जहाँ पे बाइक्स लेके खड़े हैं, ऐसा फील हो रहा था. एंड उसके बाद का तो पूरा VFX है, इट्स अमेजिंग VFX. बहुत बहुत प्यारे कलर्स यूज़ किए हैं VFX में. जो सीलिंग वाला शॉट था
उसमें तो जो पाउडर ब्लू कलर यूज़ किया इट वॉज वेरी नाइस एंड आई रियली लव्ड द कार का इफेक्ट एंड लास्ट में वो लास्ट में एरोप्लेन है उनके बैकग्राउंड में एंड सोफा पे वो ऐसे बैठे हुए एकदम पूरे पैशन में एंड ऑल. तो कितने सेकेंड्स का टीजर है आप सोचो, 34 सेकेंड्स का आई गेस. एंड इन 40 सेकेंड्स के टीजर में, 34 सेकेंड्स के टीजर में क्या मतलब, 34 सेकेंड्स के टीजर में कितना कुछ दिखा दिया. अमेजिंग. आई थिंक टीजर में अगर इतना कुछ है तो आई एम वेरी श्योर गाना तो फुल ऑन ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर रिएक्टिंग ऑन द सॉन्ग टू बी जल्दी से रिलीज हो एंड आई डू द रिएक्शन. तो गाइज इफ यू लाइक माई रिएक्शन सब्सक्राइब करिए चैनल एंड हिट करिए बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.